उससे किस कुछ लोगों को लगा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये है 26 जून का। तो इवनिंग टाइम है, मैं सुबह से बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी क्योंकि व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था और मन भी नहीं कर रहा था। पता नहीं आज सुबह से मुझे तबीयत ठीक भी नहीं लग रही है अपनी। तो आज मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। व्लॉग को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच करना और अपने अच्छे अच्छे सजेशन मुझे दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सबकी। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब मैंने चोटी बना ली है क्योंकि मैंने कल ना बालों में अच्छे से ऑयल लगाया था, बहुत अच्छे से भर भर के कोकोनट ऑयल लगाया था मैंने। और उसके बाद फिर बस चोटी गूँथ के मैंने बना ली है। और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, स्वेटिंग हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पाउडर भी लगाया। जब मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो मैं पाउडर लगाती हूँ। और इसके बाद बस मैंने यहाँ पर मांग भी भर ली क्योंकि मेरी मांग खाली खाली लग रही थी। और तो मैं जब मुझे खाली खाली लगती है तो मैं ज़रूर भर लेती हूँ इस तरह से। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी नहीं आई। हाय गाइस, तो गुड इवनिंग। अभी 5:30 बज रहे हैं। आज की डेट आपको बताऊँ तो डेट बताने से क्या है ना, सही रहता है, क्लियर रहता है कि यह कब का व्लॉग है। आप लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होती है और मुझे भी पता रहता है। तो आज की डेट है 25 जून और आज है ट्यूसडे। बट कभी कभी ना क्या है, गलती हो जाती है हमसे भी, ऐसे कभी याद ही रहा और हमारे मतलब दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है तो डेट ही दूसरी बता देती हूँ कभी कभी तो मैं। सो हो जाता है, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कैमरे के सामने आके कभी कभी भूल जाते हैं सारी चीज़ें। तो आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है मेरे को कि ब्लॉग करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ये चले गए हैं फिर से, आ गए थे स्कूल से 2 बजे तो अभी चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं अकेले क्या करूँगी, मेरा टाइम पास भी नहीं होगा, तो मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ आपके साथ बातें करती रहूँगी, कुछ शेयर करूँगी। तो ऐसे ही मैंने कल रात को ऑयलिंग की थी बालों में। मैं 3 से 4 दिन अच्छे से ऑयलिंग अपने बालों में रखूँगी और हेयर वॉश में फ्राइडे मैं कुछ ऐसे करूँगी क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना भी नहीं है और थोड़ा सा ऑयल बालों में होना बहुत ज़रूरी है ना। वीडियोस वगैरह के चक्कर में और कहीं जाने के चक्कर में मैंने रील देखी थी कि हम लड़कियों के प्लान कुछ तो इसलिए भी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि हमारे बालों में ऑयल रहता है। ये सही बात है। तो अभी मैं जा रही अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए। और सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कल अच्छे से भर भर के ऑयलिंग की थी तो अब मैं चोटी गूँथ के मैंने बना ली है, ये देखो। और मेरे बालों के लिए मतलब कमेंट आ रहे हैं कि हेयर कट ब्लॉग लेके आओ। मैंने भी बहुत पहले से सोच रखा है कुछ बालों के लिए करने के लिए। देखती हूँ कब जाती हूँ मैं, कब मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा सा चेंज करना है मुझे भी, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ, नींबू पानी बना रही हूँ पहले अपने लिए, कुछ पी रही हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ। और मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, आप तो मुझसे सीखते हैं लेकिन मैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्लॉग के थ्रू जो मुझे आता है, लेकिन मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि आप इस बेडरूम को, उस वाले एसी वाले रूम को बेडरूम बना लीजिए, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन आप लोग देते हैं। लेकिन ये वाला आइडिया मेरे मन में नहीं आया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं चेंज कर रही हूँ। वैसे आइडिया अच्छा है, मैंने इनसे बात भी की थी कल, लेकिन इसलिए नहीं चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ में लेट बाथ अटैच है तो कभी कोई आता करता है ना तो ये मुझे सेपरेट मिल जाएगा इसलिए। और कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद फिर ठंड आ जाएगी तो फिर ठीक रहेगा ये, है ना। तो इसलिए क्योंकि इसमें अब टीवी भी सेट हो गया है और सारी चीज़ें लेट बाथ भी अटैच है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ही बेडरूम रहने देते हैं। उसमें मैं लक्ष्मण रेखा का यूज़ कर रही हूँ उस रूम में, तो जिससे कि जो चीटे वगैरह हैं वो कुछ जो कीड़े वीड़े हैं वो नहीं आएंगे, देखते हैं। और चलो मैं अपने लिए नींबू पानी बना। तो स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत घर मैस हो जाता है मेरा, जैसे कि इन्होंने लंच बॉक्स वहीं छोड़ दिया, इनकी बाटल, इनका बैग, तो वो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैं अभी किचन में हूँ। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ नींबू पानी। और ये स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, बातें बातें की हम लोगों ने, फिर इनके पास अचानक से किसी का फ़ोन आ गया था तो ये निकल गए उनके साथ में, तो मैंने अपने लिए बनाया नींबू पानी।
जैसे ही काम से फ्री हो जाती हूँ पूरा टाइम मेरा इस वाले रूम में ही निकलता है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है एसी। और अभी ये थोड़ी देर पहले मैं थोड़ी देर सो ली हूँ आज, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी बॉडी भी साथ नहीं दे रही थी, सर में भी बहुत तेज दर्द था, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और बस सो के उठी तो ये पार्सल रिसीव हुआ है मेरे को, और फिर मैंने यहाँ पर एक जैसा कर दिया। ये जो आप कपड़े देख रहे हो, कितने कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं प्रेस के लिए, कि बस धुलते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं। तो ये सारे कपड़े प्रेस भी रखे हैं, मैं बाहर नहीं देती हूँ कपड़ों को प्रेस के लिए, मैं सारे काम खुद से करना पसंद करती हूँ। जब मुझे टाइम लगता है, टाइम मिलता है, और जब मेरा मन करता है तब मैं करती हूँ अपने हिसाब से। तो थोड़े थोड़े करके कपड़े करके मैं निपटा लूँगी, अभी मैं इनको फोल्ड करके रख दे रही हूँ। 2 दिन लगेंगे मुझे, थोड़े थोड़े कपड़े करके मैं कर लूँगी। इनके भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना, तो गर्मियों में ना एक बार ही कपड़े पहनने में आते हैं, फिर वो सीधे धुलते ही हैं, रिपीट नहीं होते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि किस स्कूल में है जीजू, तो देखो यहाँ पे इसे नहीं बता सकते हैं, अच्छे स्कूल में है, और जो ग्वालियर के अच्छे स्कूल हैं उनमें से ही एक में है वो। तो अरे इनको फोल्ड कर दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा मन कर रहा था इडली सांभर बनाने का, अभी 7:30 बज रहे, फोन आ गया था तो मैं बहुत टाइम तक बात करती रही। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इडली सांभर बना लूँ, मेरा मन कर रहा है, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ मैंने बचा के रखी थी, लेकिन ये नहीं है घर पे, और मुझे पक्का पता है कि 99% ये खाना खा के आ सकते हैं बाहर से, 1% ही है कि मतलब ये घर में खाना खाएं। तो फिर मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ इडली सांभर, मैं यही सोच रही हूँ। मैंने अभी इनको मैसेज किया है, पता चलेगा फिर मैं देखती हूँ, नहीं तो फिर कल बनाऊंगी इडली सांभर। मेरा बहुत 2-3 दिन से मन कर रहा है बनाने का, वो डिले ही होता जा रहा है, देखते हैं अब कब बनाती हूँ मैं इडली सांभर। मुझे अच्छा लगता है, लाइट खाना है, बहुत दिन से मैंने बनाया भी नहीं है, तो सोच रही थी बना ली थी मैं, सारी सारी चीजें रखी हुई हैं। और मुझे आपके साथ कुछ शेयर भी करना है, आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, मैं भी आपको उसमें रखना नहीं चाहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ब्लॉग में बनी रहिए। सत्तू किस किस ने खाया है पता है? मुझे बचपन में भी बहुत अच्छा लगता था सत्तू, थोड़ा सा ही अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं खाने में, थोड़ा सा मैं अपने लिए बना रही हूँ। कुछ लोग इसका शरबत भी बनाते हैं सत्तू का, ये चने का आटा होता है, चने को जो रोस्टेड चने होते हैं ना उसका ये आटा होता है, जो कि इसको सत्तू बोलते हैं, कि जब हम लिट्टी चोखा बनाते हैं ना तो उसके लिए भी इसी की स्टफिंग तैयार होती है। और ये मैं डबरा से लेके आई थी, पापा ने दिया मुझे सत्तू, क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगता है। तो जब मुझे छोटी मोटी सी भूख लगती है ना तो ये ठंडा होता है, स्पेशली गर्मियों में खाया जाता है। और कुछ लोग ना इसको मतलब इसका शरबत भी बनाते हैं, इसमें प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, कुछ मसाले वगैरह डाल के इसका शरबत भी बनाते हैं, लेकिन मैं तो इसको चीनी डाल के ही खाती हूँ। मैंने शरबत सच बताऊँ कभी पिया नहीं है, लेकिन बिहार साइड में शायद इसका शरबत वगैरह बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाती हूँ। ठंडे पानी से इसको धो लो थोड़ा सा थिक, और फिर इसको खाओ, ये ठंडक देता है और ये अच्छा भी होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, इनको भी बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने तो अभी एक बार भी नहीं खाया पता है, मुझे याद ही नहीं रहता इनको देने के लिए, मैं घर में फ्री रहती हूँ तो मेरा मुझे याद आ जाता है, और ये हमेशा बिजी रहते हैं, तो आज मैं दूंगी इनको खाने के लिए। ध्यान से मैंने यहाँ पे रख दिया है जिससे उनको याद रहेगा मुझे देना है, और ठंडे पानी से उसको घोलो और खा लो। लिट्टी चोखा भी बनाऊंगी मैं, लिट्टी चोखा की भी याद आ गई मेरे को, थोड़ा सा सबको बचा के रखूंगी लिट्टी चोखा के लिए। और जो मार्केट में मिलता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, उसमें मतलब कच्चा 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 लगता है वो, उसमें चने को अच्छे से भुना नहीं जाता है। और ये जो घर होता है ना, ये घर का सत्तू भी बहुत टेस्टी होता है, मेरी मम्मी तो बनवाया करती थी पहले, बहुत ज्यादा बनता था, और ये गर्मी में खाने में अच्छा होता है, कितने लोग जानते हैं मुझे बताना। और ये मैं जा रही हूँ खाने के लिए, ये देखिए बस इस कंसिस्टेंसी का रखेंगे आप, यार थोड़ा सा पतला कर सकते हो, थोड़ा सा लगा है मेरे पास। चलो मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, मुझे भूख लग रही है एक्चुअली में, मुझे खाने का मन कर रहा था। ये जब मीठा खाने का मन करता है तो ये खा।
तो ये बहुत लेट आए, 9:30-10 के समथिंग आए, और फिर आके फाइनल डिसीजन हुआ कि ये खाना घर पर ही खाएंगे। तो फिर मैंने बनाया पुलाव, क्योंकि फिर इडली सांभर मैंने नहीं बनाया, मैं बहुत लेट हो चुकी थी, कब बनाती कब खाती, तो फिर मैंने यहाँ पे पुलाव बनाया था। तो यहाँ पे तड़का लगा दिया है, बना रही हूँ, बस रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे फ़ोन आ गई थी तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, अब यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ। मैंने रायता भी बना लिया इस बीच में, और थोड़ा सा सैलेड भी कट कर लिया है, क्योंकि जो पुलाव होता है ना उसके साथ बूंदी का रायता बहुत टेस्टी लगता है, तो थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे। और बस पहले मैं इनको लगा के दे देती हूँ। मुझे गुस्सा तो इसलिए आ रही थी क्योंकि ना मेरा मूड भी ख़राब है, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर ये बताते नहीं है कि बाहर खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो मैं उस हिसाब से काम कर लूँ। फिर ठीक है, बना लिया मैंने घर पर ही दोनों का खाना, और अब हो रही है सोने की तैयारी, रूम में जाने की, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो गाइस शकल पे मत जाना, शकल के तो 12 बज रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा 12, वैसे भी 12 बज रहे हैं, 12 ही बज गए, आज हमने बहुत लेट डिनर किया। मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि ये खाना खा के आएंगे, लेकिन जब मैं बना लेती हूँ ना तब ये खा के आते हैं, जब बनाती नहीं हूँ तो ये खाना खा के नहीं आते। फिर जब ये आ गए और मैं मैसेज कर रही हूँ तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने खाना बनाया ही नहीं था। तो जब ये आ गए फिर मैंने बनाया, फिर बना खाना बना दिया था मैंने, फिर हम लोग बातें बातें करते रहे बहुत टाइम तक बैठे बैठे, तो खाना हम लोगों ने अब खाया है 11:30-12 बजे। पानी बॉटल ला के रख ली है यहाँ पे रूम में, क्योंकि हम इस वाले रूम में ही सोते हैं, इतने बड़े आलसी हैं ये, कल इनको प्यास लगी रात को, बोलते हैं अंजलि पानी है क्या, मैंने बोला नहीं है, बॉटल ले आओ वहाँ से फ्रिज में से, बोले रहने तो मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। फिर मैं गई उठ के, मैं पानी की बॉटल लेके आई, तब इनने पानी पिया तब सोए, मतलब प्यास लग रही है और उठने के आलस में हम बॉटल भी नहीं ला सकते, इसलिए मैंने आज ये बॉटल अपनी ला के रख ली पानी की। चलो दोस्तों मैं सुबह आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में, इडली सांभर बनाने की सोच रही थी लेकिन नहीं बन पाया, इसी की वजह से बनाना ही नहीं बनाना है, तो अब मैं कल देखूंगी, कल बनाऊंगी, क्योंकि सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हैं वो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि सब्जी इस टाइप से नहीं बची ना कि अब उसकी कोई एक सब्जी बन जाए, वो सांभर के हिसाब से ही सब्जी मैंने बचाई है। मिलते हैं कल, गुड नाइट, बाय बाय। तो दोस्तों मैं 6 बजे का अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत लेट हो गई उठने में, और उठी ना तो फिर मुझे इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ इनका लंच बनाने में। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है, और ये गए अपना ब्रश वगैरह करने के लिए, नहाने के लिए, तब तक मैं यहाँ पर चाय बना के तैयार रखूँगी और फिर बनाऊँगी इनके लिए मैं खाना। तो फटाफट से मैंने बनाया सेव भाजी और रोटियाँ गर्मा गर्म, तो बस फटाफट से आटा लगाऊंगी। ये सारा कुछ मैंने आपको बोल तो दिया लेकिन बनाने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो मुझे लगेंगे ही। ये तो अच्छा है कि सब्जी नहीं, क्योंकि सब्जी होती है तो उसको बनने में टाइम लगता है, सेव भाजी बनने में टाइम नहीं लगता है। तो फटाफट से मैंने इनके लिए खाना बनाया, एक साइड सब्जी रख दी, एक साइड मैंने रोटियाँ बनाई इस तरह से, और ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो 2 रोटी मैं इनको खाने के लिए घर पर ही दे देती हूँ, क्योंकि कुछ खा के जाना चाहिए, गर्मी का टाइम है। तो अब तो इनको हैबिट भी हो गई है, जिस दिन मतलब छुट्टी होती है ना तो उस दिन भी बोलते हैं कि जल्दी खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लग रही है, क्योंकि हैबिट हो जाती है ना जब हम खाने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनका टिफिन रेडी कर रही हूँ अभी। और दोस्तों अब ना 99% लोगों को यही प्रॉब्लम है बेबी ना होने की, मेरी नज़र में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बेबी नहीं है, शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ इनको बेबी नहीं, उसको बेबी नहीं, और आने वाले टाइम में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है लेडीज़ के लिए, क्योंकि आजकल का जो खान पीन होता है वो बिल्कुल नकली है, कुछ भी मतलब हेल्दी नहीं है। हम कितना भी कोशिश करें हेल्दी खाने की, लेकिन मार्केट में जो इंजेक्शन लगी हुई सब्जियाँ मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, कुछ भी हेल्दी नहीं है। तो इनका लंच बॉक्स रेडी करके मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, और सिल्वर फॉइल में मैंने रोटियाँ ठंडी करके रखी, नहीं तो आप लोग कॉमेंट करेंगे। तो मैंने ठंडी करके 2 रोटियाँ उनके लिए रख दी हैं, थोड़ा सा सैलड भी रख देती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, और सेव भाजी की सब्जी रख दी है, और एक टिश्यू पेपर रख दिया है। तो इतना सा लंच ये लेके जाते हैं क्योंकि पूरा टाइम नहीं होता है स्कूल में, बस 2 रोटी खा के जाते हैं, और 2 रोटी मैं उनके लिए रख देती हूँ। तो 2 बजे तक तो ये घर पे वापस आ भी जाते हैं, तो अभी ये जा रहे हैं, बस इनको मैं टाटा बाय बाय बोलूँगी, ये चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं अपने घर के सारे कामों में लग जाती हूँ। तो अभी सुबह का मेरा यही रूटीन रहता है, किसी दिन डिटेल में शेयर करूँगी सारी चीज़ें, आज तो मैं खुद ही लेट हो गई थी,
हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसकी वजह से। तो बस इनको बाय बाय बोलने के बाद गेट लगा के मैं करूँगी अपने घर के सारे काम। और आपको व्लॉग कैसा लगा? इस व्लॉग में मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपसे बातें की हैं क्योंकि मुझे आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। सो फाइनली गाइस, ये गए स्कूल और अब जाके मैं हुई फ्री थोड़ा सा। अब मैं चलाऊंगी फ़ोन, ये 8 बजे निकल जाते हैं, 7:45 बजे निकल जाते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, इतना जल्दी जल्दी मैंने लंच रेडी किया है ना, तो 2 रोटी मैं इनको लंच में देती हूँ और 2 रोटी ये खा के जाते हैं। पहले मैं पराठा पूरी भी बनाती हूँ, बनाती थी, तो मैंने सोचा कि यार ये तो डेली का ही है, तो पराठा पूरी इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये भी बोले कि मुझे रोटियां दे दिया करो अच्छे से घी लगा के, तो सॉफ्ट रहती हैं। तो अभी मैं उनको रोटी देती हूँ और जब कभी मन करता है तो मैं उनके लिए चेंज कर दिया करूँगी, आगे भी कभी नया नया कुछ बना दिया करूँगी। तो अभी तो मैं, आज कोई सब्ज़ी नहीं थी इसलिए मैंने सेव भाजी बना दी। अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा रील वगैरह शेयर करूँगी, कुछ वीडियोज़ वगैरह देखूँगी, उसके बाद में फिर मैं अपने घर के काम से फ्री हो जाऊंगी। फिर काम से फ्री होने के बाद मुझे आपके साथ कुछ शेयर भी करना है बहुत ज़रूरी, तो बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक करना और मेरी हेल्प ज़रूर करना, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत ज़रूरत है आप सभी के कमेंट की, आप लोगों के सजेशन की। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो बहुत टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। दोपहर का 1 बज रहा है। एक्चुअली मैं ना लाइट नहीं थी, सुबह से ही लाइट गई हुई है, मतलब 8:30 बजे लाइट चली गई थी और अभी 1 बजे आई है, तो मुझे पक्का मुझे विश्वास हो गया था कि आज कटौती हुई है लाइट की, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए लाइट जाती नहीं है यहाँ पे। तो मैं वेट कर रही थी लाइट का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब लाइट नहीं थी तो हालत ख़राब ही हो गई मेरी। सारे काम मैंने बिना लाइट में किए हैं तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अब फाइनल हम बात करने वाले हैं जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपका भी दिल तोड़ना नहीं चाहती हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था व्लॉग में जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हैं, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, जिसके साथ मैं डेली अपनी पूरी लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। मेरा चैनल बिल्कुल ही फेक नहीं है, जो मेरी रियल लाइफ में चल रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि मैंने सच में आपको दिल से फैमिली माना है और ये यूट्यूब से मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। तो मैंने इसलिए बोला था कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। पहली बात तो आपको पता है कि मेरे हस्बैंड अब जॉब करने लगे हैं, तो उसकी वजह से अब उनको इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी कि मैं कहीं बाहर घूमने जा पाऊँ, और उनकी टाइमिंग मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि 2 बजे मतलब 2:30 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद में जितना भी टाइम है फिर वो मुझे दे सकते हैं और हम अपने घर जो सारे काम है वो कर सकते हैं, तो स्कूल में टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये है। और बाहर तो जैसे कि नहीं जा पाएंगे क्योंकि डेली स्कूल तो डेली का ही होता है, तो जब छुट्टियां रहेंगी तभी हम लोग बाहर जा पाएंगे कहीं भी, इसलिए मैंने बोला था कि शायद अब मैं ऐसे बाहर मंदिर वगैरह घूमने नहीं आ पाऊंगी, लोकल में तो हम जा ही सकते हैं। दूसरा बात मैंने इसलिए भी बोला था उससे कि कुछ लोगों को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं आपको पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। घुमा फिरा के बातें करना मुझे भी नहीं आती है और इसलिए मैंने कोई भी टाइटल में गुड न्यूज़ नहीं लिखा, क्योंकि कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं कि गुड न्यूज़ लिख करके व्यूज़ लेना चाहती हो और ऐसा करना चाहती हो, झूठ बोलती हो, तो इसलिए मैंने कभी भी अभी गुड न्यूज़ नहीं लिखा किसी भी उसमें। गुड न्यूज़ तो वैसे है क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करने लगे हैं, तो ये भी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो मैंने ये सब कुछ क्यों लिखा टाइटल में वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टाइटल थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। देखिए, मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया है और 8 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत लंबा टाइम होता है और आपको पता है कि अभी मेरे बेबी नहीं हैं, तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया और मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट लेने से अभी तक मुझे आराम मिल जाना चाहिए था जो कि नहीं मिला, और डॉक्टर्स भी बहुत हैरान है कि मुझे आराम क्यों नहीं मिलता है, मैं बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पाती हूँ, तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं मुझे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो देखिए अब मैं आगे मतलब जैसे कि नॉर्मल तो मतलब नेचुरल तो मुझे बेबी कंसीव नहीं होगा, क्योंकि होना होता तो अभी तक हो जाता। तो अब हम लोग इस डिसीजन पे हैं, क्योंकि बहुत सोचने के बाद और बहुत सुनने के बाद लोगों की हम लोग अब फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि देखिए मेरे मेरा जो बेबी होगा वो, ये तो पक्का है कि ट्रीटमेंट से ही होगा। तो जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट होते हैं, जो गायनिक के पास जाना करना, वो तो सब मैंने कर लिया है। तो अब मैं कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहती हूँ और मैं अपनी गोद में एक बेबी चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि या तो मैं बेबी अडॉप्ट कर लूँ और या फिर मैं IVF पे पक्का जाऊँ। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या करूँ आप लोग। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं कुछ भी करूँगी अपनी लाइफ में, मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, पूरी जर्नी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी ये लाइफ स्टाइल है, मेरी रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है, मेरी रियल लाइफ है। जब मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि मैं ये चीज़ भी आपके साथ शेयर ना करूँ कि मैं बेबी मतलब अडॉप्ट कर रही हूँ, या IVF ट्रीटमेंट ले करके मैं बेबी कर रही हूँ, या मुझे नेचुरल हो रहा है। अगर भगवान की महिमा रही तो शायद नेचुरल भी हो जाए। तो जो कुछ भी रहेगा ना, मैं क्लियरली आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड लिस्ट में और मेरे आसपास में और मेरी यूट्यूब फैमिली में ही बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसी मुसीबत से लड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मतलब मैं कभी भी ऐसे अपनी लाइफ में माँ बनूँ, तो मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके। कुछ लोग तो पता है IVF के बारे में नहीं जानते, जब मैं वैसे बात करती हूँ ना, कुछ लोग IVF के बारे में नहीं जानते, और वो IVF के बारे में जानते भी हैं तो उनको किसी ने डरा के रखा हुआ है, मतलब कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि मैंने भी सब कुछ समझा है, देखा है, सर्च किया है, और उसके बाद ही हम दोनों ही का ही डिसीजन है। तो देखते हैं क्या होता है, और आप लोग भी मुझे सजेस्ट करना, तो मैं पूरी जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। जैसे भी मेरे बेबी होंगे वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक तो ये भी रीज़न है कि जिसकी वजह से मैं अभी इतने मंदिर, भगवान का आशीर्वाद मैंने लिया है कि अब जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो वो अच्छा हो और बस अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएं। तो अगर मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ तो सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर ही मना कर देंगे कहीं जाने के लिए, आने के लिए, क्योंकि ये ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब भी मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट भी किसी गायनेक के यहाँ पे लिया है ना, तो आपको यहाँ नहीं जाना है, सफ़र नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मतलब इस टाइप की चीज़ें मैंने फॉलो की है। तो इसलिए मैंने सभी भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, और जहाँ मेरा जाने का मन था वहाँ भी मैं होके आई हूँ, इसलिए मैंने इस टाइप के टाइटल थंबनेल रखे थे। तो फिर मैं ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं करूँगी। तो अब वो कब से स्टार्ट होगा, क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग में आपको पता चलता रहेगा। इसलिए आप लोग मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा। और मैं बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि अब हम लोग फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं, और आप लोग भी अपना सजेशन मुझे ज़रूर देना कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी हमने फाइनल नहीं किया है कि हम बेबी मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर हम IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर IUI ले रहे हैं। तो ये बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे कि बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, बेबी कंसीव होने के। तो अभी हम लोगों ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, ले सकते हैं हम, मैं ये बता रही हूँ अभी आपको। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर 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 मुझे दीजिएगा, और मैं आपके साथ फेक कुछ भी शेयर नहीं करूँगी गाइज, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा शेयर करूँगी, जिससे कि और भी लोगों की मदद हो सके, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत टाइम तक लड़ रही हूँ, लड़ी हूँ, और शायद आगे भी पता नहीं मुझे कब तक ये झेलना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं लोगों की वजह से ये डिसीजन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि लोग तो देखो बोलेंगे ही, ठीक है, आपके हो जाएगा तब भी बोलेंगे, नहीं होगा तब भी बोलेंगे। और IVF अगर मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ तो इसमें छुपाने वाली कोई चीज़ नहीं होती ना, किसी की सोच होती है। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी लिए हाय किसी को बताना नहीं है, नज़र लग जाएगी, ऐसा हुआ है हाय किसी को बताना नहीं है, ट्रीटमेंट लिया है नेचुरल भी हुआ है तो किसी को बताना नहीं है। मेरी सोच बहुत अलग है, मैं उस टाइप से नहीं सोचती हूँ कि मैं किसी को बताऊंगी नहीं ऐसा है वैसा है। देखिए मैंने
मैंने प्लॉट लिया था, भूमि पूजन किया था, तुरंत आपको बता दिया था। तो मेरे छुपाने वाली वो कुछ भी नहीं है और मेरी सोच बहुत अलग है। IVF में आपका ही खुद का बच्चा होता है और सारा कुछ आप लोग सर्च कर लेना। तो IVF ट्रीटमेंट लेने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। आजकल टेक्निक बहुत आगे है और बॉडी है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, कभी सामने आती हैं, कभी नहीं भी आ पाती हैं, टेस्ट में भी नहीं आ पाती हैं। तो आप इस टाइप के ट्रीटमेंट पे भी जा सकते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, है ना। तो जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो कि हाँ IVF से हुआ है, उनके बच्चा ऐसा हुआ है वैसा, कुछ लोग बोलते हैं इस तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन मेरी वो सोच नहीं है। और देखो, जो लोग बोलते हैं वो उनकी सोच है, मैं अलग टाइप से सोचती हूँ, मेरी सोच बहुत अलग है। मैं छुपाऊंगी भी नहीं कि मैं IVF से लूंगी। तो कुछ लोग होते हैं ना कि करवाने के बाद भी बोलते नहीं हमें तो नॉर्मल हुआ है, नहीं हमें तो नेचुरल हुआ है, होते हैं कुछ टाइप से। तो मैं उस टाइप से भी नहीं करूंगी, जो कुछ रहेगा रियल रहेगा। तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। बट अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन आगे हम लोग ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, कब से क्या सब कुछ आपके साथ आने वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ भी मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। जब कभी ब्लॉग नहीं आ पाते हैं तो वहाँ भी मैं अपडेट दे देती हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।